अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक डेजर्ट, और ये मैंने सूजी ली है, ये 1.5 कप सूजी है। अब हम सूजी को अच्छे तरीके से जो है वो हम इसको जो है वो भून लेंगे। हमने इसको भूनना है अच्छे तरीके से, और ये जो है वो फ्रेश मिल्क की जो भलाई है, इसको मैंने जो है थोड़ा सा जो है वो पिघला लिया था, सॉफ्ट कर लिया था। मतलब पूरा नहीं पिघलाना है आपने, इसे फ्रिज से निकाल के रख देना है। आपने फ्रीज़र से जब ये सूजी हमारी जो है वो अच्छे तरीके से भुन गई, तो हमने ये भलाई जो है वो उसके अंदर शामिल कर देनी है। तकरीबन जो है ये 1/2 कप सूजी, 1.5 कप जो है वो सूजी थी, और उसके अंदर जो है वो हमने जो है तकरीबन 2 कप से ज़्यादा जो है, बड़े कप जो 2 होते हैं उससे ज़्यादा जो है वो भलाई डालनी है, ठीक है। और उस भलाई डालने के बाद जो है हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो है वो अच्छे तरीके से हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पर जो है वो भूनना है। तकरीबन जो है ये भूनने के अंदर जो है वो आपका जो है 45 से 40 मिनट लगेंगे, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से हल्की आँच पर भूनना है, और कंटिन्यूसली आपने इसको चलाते रहना है, वरना ये नीचे से लगने लग जाएगी। जब ये अपना ऑयल सेपरेट हो जाएगा, ऑयल छोड़ देगी उस वक्त जो है, और ये सूजी जो है वो फूल जाएगी बहुत ज़्यादा, मतलब ऊपर आ जाएगी ये फूल कर, तो उस टाइम पे जो है वो आपने जो है वो रोकना है अपना भूनने का प्रोसेस। तकरीबन जो है वो आपको 1 घंटा या 45 मिनट 40 मिनट इसको लगेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है इसको भूनना है। सारा का सारा मज़ा जो है वो इस डेजर्ट का जो है वो सूजी की भुनाई पर है। जब ये क्रीम के साथ भुनेगी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, आपको पता चलेगा। जब हम देसी घी बनाते हैं तो उसके नीचे जो हलवा सा बच जाता है उसकी जो खुशबू होती है, वैसी खुशबू जो है वो इसके अंदर आने लग जाएगी, और बहुत ही मज़े का और बहुत ही यमी जो है वो ये डेजर्ट बनेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, दानेदार जो है वो बनेगा। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए जो है वो इसको भूनना है। अपने खास ख्याल रखना है कि आपने जो है वो इसको लगने नहीं देना। अब हमने एक पैन के अंदर थोड़ा सा पानी लिया है, हमने जो है वो शीरा बनाना है, ठीक है। मैंने 1 कप जो है वो चीनी ली है, 1.5 कप सूजी थी, और उसके अंदर 1 कप भर के जो है मैंने जो है वो शुगर ली है, चीनी ली है, ठीक है। अब आप जो है वो अपने हिसाब से जो है वो देख लीजिएगा, जितना आपको मीठा पसंद हो। ये मीठा बिल्कुल इस तरीके से होगा कि ना बहुत ज़्यादा होगा और ना बहुत कम होगा, बिल्कुल इक्वल जो है वो बैलेंस मीठा होगा, ना जो दिल भारी करे, क्योंकि ऑयल वाले चीज़ों में अगर मीठा ज़्यादा हो तो वो दिल भारी करने लग जाता है। इधर जो है हमारी सूजी अच्छे तरीके से जो है वो भुन रही है, उधर जो है वो हमने शीरा बनाने के लिए दूसरे चूल्हे पर रख दिया है। इसको हमने कंटिन्यूसली चलाते रहना है। बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हमारी सूजी जो है वो भुन रही है। देखिए, अब चीनी जब मेल्ट होने लग गई तो हमने इसके अंदर जो है पिंच जो है वो हमने ऑरेंज कलर लेना है, और हमने जो है वो इसके अंदर मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से। ये हमारा शीरा जो है वो रेडी हो गया है। इसको 2 मिनट आपने कलर के साथ और पकाना है, और फिर आपने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। ये देखिए 2 मिनट और पका है, अब हमने जो है इसका चूल्हा बंद कर दिया है। अब इसको हम साइड पर रख देंगे। देखिए सूजी जो है वो हमारी तेल छोड़ती है, देखिए तेल छोड़ने लग गई है, तो वो जो एक हलवे वाली फॉर्म में आ गई थी, अब ये जो है वो दानेदार होकर जो है वो सेपरेट हो गई है। बहुत अच्छे तरीके से अभी चल रही है, और जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है इसने ऑयल सेपरेट कर दिया है, ऑयल छोड़ दिया है। देखिए आपको नज़र शायद आ रहा होगा कैमरे के अंदर कि ऑयल जो है वो ऊपर आ गया सूजी में, और सूजी जो है वो फूलने लग गई है, फूलना शुरू हो गई है। आपने इसको छोड़ना नहीं है, वरना तो ये नीचे से जो है वो बहुत जल्दी से जो है वो सूजी लग देगी। ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया, अब आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली, ऑयल ऊपर आ गया। अब हमने इस टाइम पर जो है इसके अंदर शीरा डालना है अपना, और शीरा डालकर आपने फ़ौरन अच्छे तरीके से उसको चला लेना है। देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से चला ली है। अब आपने इसको शीरा डालने के बाद 2 मिनट तक जो है वो आपने इसको भूनना है अच्छे तरीके से। आपने इसको मिक्स करना है 2 मिनट तक शीरा डालने के बाद।
और इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो आप मीठा जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपके हिसाब से मीठा सही है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप मीठा और डाल सकते हैं इसी तरीके से शीरा बनाकर। अब हमने इस पॉइंट पर जो है इसके अंदर हाफ कप जो है वो पानी शामिल करना है, और हाफ कप पानी शामिल करने के बाद पानी जो है वो गर्म होना चाहिए, ठंडा पानी आपने नहीं डालना है। पानी को आपने अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है, गर्म कर लेना है, और फिर आपने पानी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से चलाना है। तो ये इस तरीके से एक लई की इस तरीके से फॉर्म में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, हाफ कप पानी डालना है। फिर आपने इसको कवर करके रख देना है दम वाली आँच पर, और सूजी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी और एकदम जो है वो दानेदार होकर हमारा हलवा जो है देखें वो रेडी हो जाएगा। इस तरीके से जो है वो हमारा हलवा जो है वो तैयार हो गया। आपको क्लियर शायद कैमरे में शक्ल नज़र नहीं आ रही, मैं पिक लेकर आपको क्लियर इसकी शक्ल, अंधेरा होता है कुछ मतलब नहीं नज़र आ रहा होता। ये देखिए ये हमारी जो है वो क्लियर शक्ल है ये हमारे हलवे की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा।